कि 25 अगस्त को एक पत्र आपके पास आया है चुनाव आयोग से, ये सूचना हम लोगों को मीडिया के माध्यम से मिला और उसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और भाजपा के सांसद और विधायक और जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अपने ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आधिकारिक बयान राजभवन से जारी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि आप जो कुछ भी है आप उसे स्पष्ट करें ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार हैं। केवल भ्रम है या राजनीतिक अस्थिरता भी है, सरकार भी अस्थिर हो रही है? अब बिल्कुल अस्थिर इसलिए हो रही है कि ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है इससे कोई भी सावधान रहना चाहेगा, इसलिए काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। होती है तो आप लोग को सरकार जाने का भी डर है? सरकार तो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास इतने अधिक आंकड़े हैं कि उसमें तो कोई खतरा है ही नहीं। ये लोग फिर भी जो हॉर्स ट्रेडिंग से एक आध लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए लोग गवर्नर ने कोई टाइमलाइन दिया कुछ समय से? हाँ, जैसे कि जब पूछा गया कि कितना हो सकता है आप 5-7 दिन और लें, तो नहीं नहीं उतना दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द इस तरह से। आखिरी सवाल क्या, ये आप कह सकते हैं कि जब तक राज्यपाल अपना फैसला नहीं लेते हैं तब तक विधायक रायपुर में ही रहेंगे या वापस आ जाएंगे? ये तो अभी तय नहीं हुआ है, पहले 1-2 दिनों में उनका बयान आ जाने दीजिए, फिर हम आज हम लोग जो संशय की स्थिति बनी हुई है माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने कहा है कि जो संशय की स्थिति है उस संशय की स्थिति को वो अपने आप से क्लियर करें। उन्होंने कहा है कि उनको पत्र मिला है और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर वो कानूनी सलाह लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना जवाब भेज देंगे। कोई इस्तीफा नहीं, किसका इस्तीफा? किसका इस्तीफा, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कहां से इस्तीफे की बात आ गई? जो वर्तमान में इस राज्य का राजनीतिक परिस्थिति बना हुआ है उस पर हम लोग स्पष्ट रूप से राज्यपाल महोदय से बातचीत किए। राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट किया है कि आयोग का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है, 1-2 दिनों में इस पर राय विचार करके कानूनी सलाह लेकर के और हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।